सरसों तेल जो भाव पहले देते थे हम लोग को सस्ता सुविधा वो मिलना चाहिए। पेट्रोल सस्ता कर दिए, कड़ुआ तेल क्यों नहीं सस्ता करें? इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी असली मेहनत का कमाई मिले, ना कि बाजार में महंगा हो। किसान बेचारा क्या करेगा, दिन रात काम करते रहता है तो उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। सरसों के तेल 200 रुपया किलो दे रहे हैं, पेट्रोल पेट्रोल इतना सस्ता कर दिए हैं, गरीब आदमी कैसे खाएगा? पेट्रोल तो महंगाई सस्ताई कर दिए हैं, कड़ुआ तेल महंगाई नहीं कर रहे हैं सस्ताई वालों, इतना हम लोग कहाँ से जिएंगे, गरीब आदमी कैसे खाएंगे? अरे महंगा सब चीज़ तो मिल रहा है, गरीब कहाँ से खाएगा? कमाता 2 रुपया, चाहता 10 रुपया, बाल बच्चा 4 गो 5 गो है, बेटा जमान बेटी जमान, कहाँ से खाएगा आदमी गरीब? इतना महंगाई दे रहा है, बच्चा के पढ़ाई नहीं होता, किताब ना होता तो कहता क्या है, पढ़ाते काहे ना बच्चा, रुपये ना पैसे ना रहते बच्चा के पढ़ावे काहे, रोड पर घूमता है जो अब करता है लेकर कोची करेंगे, जब कमाइए ना धमाइए ना बाल बच्चा, न महंगाई के जमाना ना घर है ना दुआर, आदमी कैसे जिएगा? तेल हम लोग के सस्ता नहीं, पेट्रोल सस्ता कर दिए, कड़ुआ तेल क्यों नहीं सस्ता करें? हम लोग महंगाई खा रहे हैं, महंगाई खा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से उतना महंगाई खाएंगे? हैं बोलिए, हम लोग के चाहते हैं, बाल बच्चा भूख मरता है तो उन लोग के कुछ नहीं देते हैं, पढ़ा लिखा नहीं करते हैं, कुछ कॉपी किताब ला नहीं होता है, गरीब के क्या देख रहा है सरकार? कुछ देख रहा है? कुछ कर रहा है सरकार? कुछ नहीं हम लोग के कर रहे हैं, आओ सरकार जहाँ तक ला गरीब के मार रहे हैं। का मतलब ये है नीतीश जी रहे चाहे मोदी जी रहे, हमें उससे मतलब नहीं होता है, गरीबी रेखा में क्या कर रहे हैं आखिर, कुछ जवाब चाहिए ना आदमी को। ऐसा तो नहीं है शब्द की मतलब कि हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, मजदूरी नहीं बढ़ रहा है किसी को, 50 रोज कमा रहा है, कोई 200 रुपया कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई 1000 रुपया कमा रहा है, उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन गरीबी रेखा में क्या कर रहे हैं मोदी जी या नीतीश जी क्या कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। तो पेट्रोल से हमें क्या लेना देना, हमारे पास उतना औकाते नहीं है गाड़ी खरीद सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है। अब 200 या 500 कर देंगे उनकी मर्जी ना है, आदमी क्या बोल सकता है, कोई बोल सकता है इसमें? उनकी मर्जी चल रहा है तो हर काम तो लूटेशन से चल रहा है, और जिसके पास घर में गाड़ी भी है वो तो घर में रखा हुआ है, साइकिल चल रहा है, हम लोग को पैदल क्या औकात नहीं है चलने के लिए, तो साइकिल कहाँ से लेके? तो जवाबदेही होना चाहिए ना। अच्छा पहले नीतीश जी ये काम कर रहे हैं कि दारू बंद करवा दिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, लोग पी रहा है खा रहा है और हर कुछ काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी खुलेआम बिचवा रहे हैं, कारण क्या है आखिर? तो उनके पास पब्लिक सिटी सब कुछ है, जवाबदेही सब कुछ है, जहाँ मर्जी यहाँ पकड़ के डाल दिए अपने मर्जी से, कोई तरीका नहीं होता है, पीने के लिए रात दिन खुलेआम पी रहे हैं लोग, नंगे नाच रहे हैं, इसका मतलब जवाबदेही नहीं है। सरसों तेल जो भाव पहले देते थे हम लोग को सहायता सुविधा वो मिलना चाहिए, जितना जनता है बेरोजगारी है उसको रोजगार मिलना चाहिए, जितना भी हमारे देश में नौजवान पढ़े लिखे हैं किसी का सर्विस नौकरी नहीं हो रहा उसको होना चाहिए, हम लोग पटना नगर निगम में काम करते हैं 15 वर्षों से, हम लोग का परमानेंट नौकरी होना चाहिए, आज हम लोग 15 वर्ष हो गया हम लोग 9000 में खट रहे हैं, 4 गो बाल बच्चा कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यही हम लोग का कहना है। पेट्रोल आता है मैक्सिमम प्राइस 38 रुपया, 33 रुपया केंद्र सरकार के हाथ में जाता है, समझे, बाकी बिहार राज्य को मिलता है। नहीं महंगा तो जब तक चाहेगा ऊपर वाले मोदी जी तभी ना कुछ करेंगे, जब किसान सरसों बढ़ा दिया है दाम तो तेल महंगा होगा ही। सरसों जो उपज होता है सरसों से ना तेल निकलता है, यही बात है और क्या। तो क्या आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा? आगे नरेंद्र मोदी बोली नहीं कि अच्छे दिन आएंगे, आदमी तो सब व्यस्त है, पेट्रोल का डीजल दाम बढ़ा सब कुछ बढ़ा, आम आदमी क्या कमाएगा? और महंगा होना चाहिए, किसान बेचारा क्या करेगा, दिन रात काम करते रहता है तो उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है, किसान को तो कोई फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है किसी पर भगवान भरोसे, तो और महंगा होना चाहिए। लेकिन उसकी तक वो मिलनी चाहिए, वो उचित दाम जो है किसान को मिलनी चाहिए, ये जो भी बिचखोर में हो रहा है ये बिचमानी जो होता है वो चीज़ को हटा करके उसको किसान का और मजदूर का इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी असली मेहनत का कमाई मिले, ना कि बाजार में महंगा हो और किसान लोग को बस वही का वही है तो उससे क्या फ़ायदा है, इसलिए उसकी देखते हुए इसकी महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। दलालों के बीच में
दला मुनाफा खोरी जमाखोरी के चलते जो ये हो जाता है, दलहन का भाव तेजी हो जाता है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। किसान को तो उचित मुआवजा मिलता नहीं है, इसलिए उस पर बैन होना चाहिए। किसानों के चलते ये महंगाई नहीं है, महंगाई है बिचौलियों के चलते, बड़ा बड़ा व्यापारियों के चलते। इस पर कंट्रोल होना चाहिए।